राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्री भक्ति वेदांत स्वामी परतुपाद की जीवनी पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सन्यासी की जिसने प्रेम, श्रद्धा और अपनी अथाह लगन से लोगों का मन परिवर्तित कर विश्व में अपना एक नया कीर्तिमान कायम किया और भारतीय सभ्यता को विश्व के कोने कोने में सबके सामने उजागर किया। उनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनको इस्कॉन मंदिर के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। आज जानेंगे कि कैसे इन्होंने अकेले पूरे विश्व में अपने ज्ञान को फैलाकर लोगों को नई जिंदगी एवं प्रेरणा दी और लोगों के जीवन से अंधकार निकालकर ज्ञान का प्रकाश भरा। तो शुरू करते हैं। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 ईस्वी सदी में जन्माष्टमी के दूसरे दिन कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में सुवर्ण वैष्णव के यहाँ हुआ था। इन्हें अभय चरण के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है डर और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है। नंदोत्सव पर जन्म होने के कारण इन्हें नंदूलाल भी कहा जाता था। पिता का नाम है गौर मोहन डे था, जो एक कपड़ा व्यापारी थे, और माता का नाम रजनी था, जो एक गृहिणी थी। पिता ने बेटे अभय चरण का पालन पोषण कर कृष्ण भक्त के रूप में किया था। बचपन में बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो मंदिर जाना पसंद करते थे। 14 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। 22 साल की उम्र में पिता द्वारा इनका विवाह 11 साल की राधा रानी देवी से करा दिया गया। विवाह के समय इनका फार्मेसी का व्यवसाय था। सन 1922 में इनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत सरस्वती से हुई, जो 64 गौड़ीय मठ वैदिक विद्यालय के संस्थापक थे। इसके 11 वर्ष बाद 1933 में स्वामी जी ने प्रयाग में उनसे विधिवत दीक्षा प्राप्त की। यह अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करते थे और उनके दिए हुए आदेश को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी का साथ दिया। इसके पश्चात वृंदावन धाम आकर बड़ी ही लगन और श्रद्धा से कृष्ण भक्ति में लगे रहे। यह ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में ही रहने लगे और वहीं स्वामी जी अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। स्वामी जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती के शिष्य थे, जिन्होंने स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित किया और कहा, तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार प्रसार करो, क्योंकि अन्य देशों का ज्ञान तो हमारे देश में आ रहा है, लेकिन हमारे देश का ज्ञान कहीं और नहीं जा पा रहा है। उसके पश्चात इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए पश्चिमी जगत में ज्ञान पहुंचाने का काम किया एवं गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 59 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। आज पूरे विश्व के लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हुए हैं और हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता में जो आस्था है, उसका असली श्रेय स्वामी प्रभुपाद जी को ही जाता है। इन्होंने ही श्री कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में रूपांतरित करके विश्व में फैला दिया। इन्होंने आजीवन श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का अन्य भाषाओं में
रूपांतर जारी रखा एवं संपादन, टंकण और परिशोधन का काम स्वयं किया। कहा जाता है इन्होंने स्वयं निःशुल्क प्रतियां भी बेची जिससे सभी लोगों तक इसका प्रचार हो सके। साथ ही श्री मद्भागवत पुराण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी इन्होंने ही किया। आज भारत से बाहर विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहनने, चंदन की बिंदी लगाए एवं पुरुषों को धोती कुर्ता और गले में तुलसी की माला पहने देखा जा सकता है। लाखों ने मांसाहार तो क्या चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का सेवन छोड़कर शाकाहार शुरू कर दिया है। वे लगातार हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन भी करते रहते। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में अनेक भव्य मंदिर व विद्यालय बनवाए हैं। इस्कॉन के अनुयायी विश्व में गीता एवं हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने 60 से अधिक संस्करणों का अनुवाद किया। साथ ही वैदिक शास्त्रों भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इन पुस्तकों का अनुवाद 80 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है और दुनिया भर में इन पुस्तकों का वितरण हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 55 करोड़ से अधिक वैदिक साहित्यों का वितरण हो चुका है। श्री प्रभुपाद के ग्रंथों की प्रामाणिकता, गहराई और उनमें जड़ता उनका अध्ययन अत्यंत माननीय है। कृष्ण को सृष्टि के सर्वे सर्वा के रूप में स्थापित करना और अनुयायियों के मुख पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का उच्चारण सदैव रखने की प्रथा इनके द्वारा स्थापित हुई। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा धीरे धीरे पूरे विश्व के कोने कोने में बहने लगी। कई देश हरे रामा हरे कृष्णा के पावन भजन में गुंजायमान होने लगे और अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति सद्भावता रखने के कारण इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण में लीन होना चाहता है उनका यह मंदिर स्वागत करता है। स्वामी प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के कारण 10 वर्षों के समय में ही पूरे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। जब सन 1965 में मालवाहक जहाज से पहली बार लगभग 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क गए तो उनके पास उस समय केवल $7 ही थे। 32 दिनों की यात्रा के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक भी आए। जब यह न्यूयॉर्क शहर पहुंचे तो उस समय वियतनामी और न्यूयॉर्क का युद्ध चल रहा था जिसके कारण हिप्पी आ गए थे, जो इन सब से वहां की सरकार परेशान थी। तभी स्वामी जी ने सोचा क्यों न इन्हीं से शुरुआत की जाए। स्वामी जी ने इनके लिए कीर्तन शुरू किया लेकिन ये हिप्पी इनका अपमान करते थे, परेशान करते थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी इनके लिए सुबह का शाम का भोजन बनाते थे और कथा सुनाते थे। धीरे धीरे ये लोग परिवर्तित हो गए और भगवत गीता का पाठ करने लगे। अमेरिकन सरकार भी इनसे खुश हो गई। यहाँ लगभग उनके 10,000 शिष्य बन गए थे जिनको स्वामी जी ने प्रचार के लिए विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर उपदेश एवं ज्ञान देने के लिए भेजा। इन्होंने लगभग 5.5 करोड़ किताबों से इस दौरान अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट की। इन्होंने आध्यात्मिकता में ध्यान दिया, न किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित किया। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। इनके कारण ही पाकिस्तान में 12 इस्कॉन मंदिर हैं। आज भी इन मंदिरों में भागवत गीता पर कथा
की जाती है। उनके शिष्यों ने अन्य जगहों पर भी ऐसे समुदाय की स्थापना की। 1972 में टेक्सास के डलास में गुरुकुल की स्थापना कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली आरंभ की। 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्री प्रभुपाल ने अपने कुशल मार्गदर्शन के कारण इस्कॉन को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में विद्यालयों, मंदिरों, संस्थानों और कृष्ण समुदायों का संगठन बना दिया। आज विश्व भर में इस्कॉन के 800 से ज़्यादा केंद्र, मंदिर, गुरुकुल और अस्पताल हैं। सन 1966 से 1977 के बीच लगभग 11 वर्षों में उन्होंने विश्व भर का 14 बार भ्रमण किया तथा कृष्ण भावना के वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। यह अपने जीवन काम के मात्र 2 घंटे आराम करके 22 घंटे काम करते थे। 12 साल में इन्होंने विश्व के कई देशों में एक मंदिर से 108 मंदिर बनवा दिए एवं जगन्नाथ की रथ यात्रा भी विश्व भर में इन्होंने ही शुरू की थी। फूड फॉर लाइफ के नाम से भी इन्होंने फ्री खाना शुरू कराया। इस्कॉन मंदिर में आज भी 14 लाख बच्चों को इस्कॉन मंदिर खाना बनाकर देते हैं। आज के समय में प्रचलित मिड डे मील भी इसी प्रक्रिया पर आधारित है। श्री प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में हुआ। कहा जाता है जब मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तब भी यह गीता ज्ञान के उपदेश को रिकॉर्ड कर रहे थे। एकड़ों प्रॉपर्टी होने के बावजूद सारा पैसा उन्होंने समाज को निछावर कर दिया। राधे राधे, आपका अपना चैनल कान्हा ब्रिजवासी।